हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है क्या सर, एटीसी का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल 400 सीट है सर, और इसमें जो बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलने वाला है दैट इज 12 लाख पर एनम। तो इस तरह से आपको बिल्कुल मेहनत भी करना पड़ेगा दोस्त, इस बात को याद रखिएगा आप सभी लोग। और अगर मेहनत करना है तो सर मेहनत कहाँ पे करना है, टारगेट किसको करना है, जिससे कि इस एग्जाम को हम क्रैक कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पीछे दिख रहा होगा क्या सर, एग्जाम पैटर्न, इसी एग्जाम को क्रैक करना है। और केवल यही एग्जाम है, प्रीलिम्स और मेंस नहीं होता है इसमें। इस एग्जाम को क्रैक कीजिए और इसके बाद वॉइस टेस्ट होगा, और इसके बाद जो है आपका प्रोसीजर आगे बढ़ते हुए आप एटीसी बन जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका जॉब ज्वाइनिंग हो जाएगा। ओके, तो यही एक टेस्ट है रिटेन फॉर्म में, जिसको आपको बेहतरीन परफॉर्म करना है। तो इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में, जो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट इंगेज होने वाला है और कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, वन बाय वन हर चीज को देखने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या, और भी एग्जाम देते हो ना, उसमें प्रीलिम्स मेंस होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें ऐसा क्या होता है, जिसको तुम टेक्निकल बोलते हो ना, तो इसमें सर एग्जाम पैटर्न जो है ना वो दो तरह का होगा। क्या सर? एग्जाम पैटर्न दो पार्ट में, एक सर एक हो जाएगा बी पार्ट, दिख रहा होगा पार्ट बी, एक है पार्ट बी सर, सॉरी ये पार्ट ए और ये पार्ट बी, जैसे होता है ना टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो यहां पे जो बोला जाता है इस फॉर्म में, जो बोला जाता है इस पार्ट को बोला जाता है पार्ट ए, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल चीजें एंगेज रहेंगे। इसको बोला जाएगा पार्ट बी, इसमें क्या रहेगा सर, टेक्निकल नहीं रहता। इसमें क्या रहेगा, इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। किस लेवल का फिजिक्स सर, किस लेवल का मैथमेटिक्स? तो इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो आप 12 लेवल में पढ़े हो ना, आईआईटी जेईई की तैयारी किए होंगे, ट्रिपली का तैयारी होगा, या स्टेट इंजीनियरिंग का तैयारी किए होंगे, मतलब 12 क्लास में जो पढ़ के आए हैं ना, उस लेवल का पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां पे। और यहां पे जो है वो इंग्लिश पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जीए का जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इस तरह से टोटल 60 क्वेश्चन, और इसका हो जाएगा सर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और ये है बहुत ही अच्छा। अब सर बात आती है यहां पे, क्या बात आती है दोस्त, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, काश इसका सिलेबस पता चल जाता। यस, इसका सिलेबस भी पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस सीरीज से आप जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको वन बाय वन पूरे एग्जाम को सर्जरी करके दिखाने वाला हूं, कहां से किस सब्जेक्ट से कितना पेपर आएगा और कितना स्कोर करोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे, सब चीज पता चलेगा। बस जुड़े रहिएगा इस चैनल से, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात आती है क्या सर, पार्ट बी की। पार्ट बी की जब बात आएगी, फिजिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यस, मतलब इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, दिख रहा होगा आपको, इसको अगर अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको यह पता चल रहा है इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यस। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इस तरह से पार्ट बी सेक्शन में जो फिजिक्स है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 60 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 60 मार्क्स हो गया। अब बात आती है दोस्त, जो इसमें जो है ना टोटल कितना पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो 60 और 60 टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गया अपने पास, दैट विल बी सर 120 क्वेश्चन, और टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट, दैट इज 2 आवर। इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, और इच क्वेश्चन पे आपको टाइम भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप तो 1 मिनट भी मिलने वाला है। ये आपका स्मार्टनेस होगा, आप स्मार्ट रहोगे तो आपको यूज करना है, किस क्वेश्चन में 30 सेकेंड देना है और किस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा देना है टाइम बचा करके। लेकिन आपके पास टोटल टाइम कितना सर, 120 क्वेश्चन 120 मिनट मिलने वाला है। और इस तरह से एक ही पेपर होगा, इसमें इस तरह से सेक्शन डिवाइडेड रहेंगे और आपको इसको अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है सर, इसका डिटेल सिलेबस कहां मिलेगा, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आपको सारा कुछ मैं बताऊंगा, हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश कहां से पूछा जाएगा, किस टॉपिक पे फोकस करना है, रीजनिंग किस टॉपिक पे फोकस करना है, एप्टीट्यूड किस टॉपिक पे फोकस करना है, जीए किस टॉपिक पे फोकस करना है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कहां से किस टॉपिक पे फोकस करना है, सब कुछ मिलेगा। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो, कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम है, यस सर वी आर रेडी। और अगर सच में आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, सच में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम है, यस सर वी आर रेडी टू रॉक। सर मुझे तो क्रैक करना है ये एग्जामिनेशन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ, और उसमें बताने वाला हूं इस सारे सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस। ओके, तो जुड़े रहिएगा सभी लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जनिक के साथ। थैंक यू सो मच।